नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, जोली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और जिस किसी ने किसान भाइयों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पे लगी बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी और अपडेट्स मिलेगी। और आज जो लास्ट मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी हीफर्स की, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताया कि 10 हीफर्स जो हैं मेरे पूना में जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और ये संजय प्रभु भाने जी ने लिया हुआ है। और सभी का मैं आपको रेट बताता हूँ और टाइमिंग बताता हूँ। सिर्फ एक ये जो बछड़ी डेनमार्क 40116 की ओरिजिनल बछड़ी है, जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, बाकी सभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और इस अकेली बछड़ी की बात करें तो हमने ये बछड़ी ली थी 65,000 की। मतलब के जो लोग बोलते हैं कि प्राइस नहीं बताते, प्राइस भैया हर एक चीज़ जैसी होती है उसका उसी हिसाब से प्राइस होता है। और अगर यही हम फार्म से लेते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है, और लोकल से लेते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है। और लोकल मैं कभी भी एनिमल्स लेता नहीं हूँ, कभी भी ना मंडी में से मैंने लिया और ना ही कभी मैंने लोकल से लिया हुआ। इसलिए इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है कि आप अगर अच्छे एनिमल्स अच्छे फार्म से लेंगे तो तभी जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जिनका अच्छा मेंटेन होता है हर एक चीज़। अब जैसे ये जितने भी हीफर्स आप देख रहे हैं सभी को साइलेज से तैयार किया गया है, कब स्टार्टर दिया है, फिर बाद में ग्रोवर फीड से स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए इनकी हेल्थ देखिए, बॉडी वेट देखिए, तो कम से कम 4.5 क्विंटल से ऊपर है। और लगभग अभी मिल्क टीथ है इसके, और जो लेंथ है इसकी लंबाई कम से कम 8 फीट है इसकी लंबाई। सो आपके सामने ही है ये जो ब्रीड है इसका हेड देखिए कितना बढ़िया है। इनको भैया इकट्ठा करने में कम से कम हमारे को जो दिन थे वो कम से कम 12-13 दिन लग गए इकट्ठा करने में, और कम से कम 15-16 हज़ार रुपये का तो मेरा डीजल ही डीजल लग गया। तो फिर जाके ये गाय सब तैयार हुई है। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाना चाहता हूँ, खोल के ले आया यार, और सभी का आपको बताता हूँ कि क्या इसका हिसाब किताब है। देखिए लंबाई और हर एक चीज़ आज दुबलेपन में इसलिए आपको लग रही होगी क्योंकि इन सभी का हमने FMD का सभी जो वैक्सीन है HS की और FMD की वैक्सीन करके हम भेज रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि आप कहीं से भी एनिमल्स लेते हैं तो उसकी आजकल के सीज़न में FMD ज़रूर कराइए, क्योंकि लोग मंडियों में से माल लेके जा रहे हैं, आपकी एक गाय गलत आ गई तो पूरा तबेला लेके बैठ जाएगी। देखिए मेरे आदमी की हाइट से भी ऊपर की बछड़ी है, कभी इनको बांधा नहीं है इसलिए थोड़ा आनातानी करती है चलने में। फिर ये भी जो बछड़ी है देखिए डेनमार्क की, ये भी ओरिजिनल बछड़ी है, आप खोल के आवली एकदम टॉप ब्रीडेड बछड़ी है। और दूध के दांत है बछड़ी के, ये 3-4 तो बछड़ी जो ऐसी है कि हमने अपने कस्टमर को लगभग 15-15 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट दिला रहे थे, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं हमारे को नहीं भेजनी। ये 66,000 की बछड़ी ली हुई है और बहुत ही अच्छे फार्म से आई है। देखिए हेड कितना ज़बरदस्त है, वेट की बात करें तो सबसे हैवी यही है, 4.5 क्विंटल की इसकी वजन है और 7 महीने की प्रेग्नेंट है। एक ये बछड़ी है, ये गैलेक्सी की है, ये हमने ली है 3 बछड़ी एक साथ ली थी 1,95,000 की। फिर बाद में अभी खोल लिया तो नाल देना लिया, बहुत बढ़िया है। उनकी डिमांड थी कि हमारे को जो हेड है हैवी हेड चाहिए, बुल हेड चाहिए हमारे को, बहुत टॉप क्लास बछड़ी है। और एकदम गरीब बछड़ी जिसको ठंडी बछड़ी कहा जाए वो है, पुट्ठा भी बहुत भारी है इसका और हर एक चमकदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है। चलो देखिए एक ये है, ये मैजिक की बछड़ी है, कद काठी देखिए
कंपटीशन की जो बछड़ी होती है उनके स्टार्टिंग पोजीशन से ही पता लग जाता है कि क्या चीज़ है। वास्तव में एकदम टॉप ब्रीड है बछड़ी, देखिए ये भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ले दूजी ले, एक ये ब्रूड की बछड़ी है, बहुत शैतान बछड़ी है। सभी बछड़ियों के मिल्क टीथ है भाई, मैं बताना चाहता हूँ, और अच्छे फार्म से, अच्छी परवरिश वाले फार्म से आई है। लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ पे कोई कमी नहीं है। बछड़ियों की जो उनकी मेंटेनेंस से पता लग जाता है कि बछड़ी क्या चीज़ है तो क्या नहीं है। अच्छे हीफर्स हैं, ये देखिए ये मैजिक की बछड़ी है, और पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कब मदर रिकॉर्ड इसका कब भी आएगी। हर एक चीज़ आगे से देखिए चौड़ाई कितनी ज़बरदस्त है बछड़ी की। अच्छी चीज़ के लिए अच्छे पैसे खर्चने पड़ते हैं भैया, और टाइम चाहिए होता है। मेन बात है कि टाइम चाहिए होता है पूरा। अगर टाइम दे पाएंगे अगर हमारे को तो तभी हमारे को ऑर्डर दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खीरी बछड़ियों की शक्लें ही अलग होती है, और सभी बछड़ियाँ ब्याने के बाद कोई 35 लीटर से कम दूध देने वाले नहीं है। सिर्फ एक गाय हमने सेकेंड लैक्टेशन की दी है उनको, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसमें एक आपको बताना चाहता हूँ कि FMD कौन सी लगानी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। देखिए हैवी वेटेड 40 लीटर वाली एक गाय दी है हमने इनको। चल देखिए सेकंड लैक्टेशन की है अभी, इसको अभी 2 महीने पड़े बच्चा देने में। बहुत बढ़िया हैवी वेटेड है। अगर अकेली गाय की बात करें तो कम से कम 1.25 लाख रुपये की गाय है, बट हमने पूरा लॉट बना के दे दिया है इनको। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज इनको 68,000 की सभी का पड़ गया हुआ है, रास्ते का खर्चा वह ये वो सब डाल के, कमीशन वह डाल के हर एक चीज़ का। फिर डॉक्टर को साथ में लेके हर एक का हमने चेकअप कराया, ब्रूसेला का टेस्ट कराया। और मेन ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने इन चीज़ों की FMD कराई है, वैक्सीन कराई है। इसमें देखिए 3-4 सॉल्ट है, अकेली FMD की नहीं है, HS की भी है, और जो अडर पे इनके कभी कभार दाने हो जाते हैं उस चीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद देती है। क्योंकि लोग बता रहे थे हमारे को कि अलग अलग व्यापारियों से गाय लेके आए थे, तो व्यापारियों ने उनको मंडियों से माल दिला दिया, तो जो मंडी का माल था वो सब बीमारी में आ गया और उनके घर की भी गाय उजड़ गई। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा आजकल के मौसम में, और अच्छी चीज़ लीजिए, चाहे 10 की जगह 8 लीजिए, पर अच्छा सिलेक्शन करिए ताकि जो आपकी मेहनत का पैसा है वो सफल हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, और बहुत जल्द आपको देसी ब्रीड की 8-10 अलग अलग गाय दिखाएंगे, जो 2-3 लॉट जा रहे अलग अलग स्टेट पे। तो मिल्किंग वाली भी नई गाय आई हुई है हमारे पास, तो जिसने ऑर्डर करना हो बाई कर सकता है। तो दूसरे लॉट के साथ बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।